हाय दोस्तों, LG का मॉनिटर परचेज़ किया है मैंने, 27 इंच का। इसकी MRP 18,500 रुपये, जो कि मुझे 13,500 में मिला है। IPS डिस्प्ले है, 69 सेंटीमीटर का डिस्प्ले है इसका। चलो इसको ओपन करते हैं। ये पहला मॉनिटर निकला, इसकी पन्नी हटा के देखते हैं इसके डिज़ाइन कैसा है, कैसा लगता है। ये देखो दोस्तों, नीचे हल्की सी बेजल है, राइट साइड कोई बेजल देखने को नहीं मिल रहा है, और बैक साइड में एक VGA केबल, HDMI और एक हमारा एडाप्टर का पोर्ट दे के रखा है। और यहाँ पर इसका मॉडल नंबर है 27MP 400। बाकी इसको अपन साइड में रखते हैं और देखते हैं इसके साथ क्या आया है। इसके साथ हमको एक स्टैंड मिला है नीचे रखने वाला, और एक इसके साथ एक अटैचमेंट भी मिला है। इसको ओपन करते हैं। एक स्टिक है जो इसके अंदर ऐड होगी और हमारे मॉनिटर को सपोर्ट करेगी। और देखते हैं इसके साथ और क्या क्या आया है, जल्दी से इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर एक एडाप्टर आया है जो हमारे मॉनिटर में कनेक्ट होगा। इसको खोल के देखते हैं। ये रहा एडाप्टर, इसका स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दिख रहा है, देख सकते हैं आप। और इसके साथ एक केबल आई है, HDMI to HDMI केबल है ये। और देखते हैं इसके साथ और क्या है। ये मैनुअल है, कैसे इसको सेटअप करना है, बैक स्टैंड कैसे कनेक्ट करना है। बैक स्टैंड कनेक्ट करते हैं अपन मॉनिटर में। इसके साथ ये स्क्रू भी आए हैं, हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस पूरे अटैचमेंट को ऐड करेंगे। ये साइड होगा, यहाँ 2 स्क्रू लगेंगे। इसको हम पेचकस की मदद से टाइट करेंगे। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लग रहा है मुझे इसका, वो चलने पे पता चलेगा कैसा फील होता है, कैसा लुक आता है। ये नीचे का स्टैंड है सपोर्ट के लिए, इसको भी ऐड करते हैं। तो हल्का सा प्रेस किया है और हो गया है, हमारा मॉनिटर रेडी है। अब इसको हम पावर देते हैं और चला के देखते हैं। इसको सेटअप करते हैं हम। ये हमारा सेटअप हो गया है, इसको मैंने पावर दे दिया है। अब इसको मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ स्क्रीन को। मैंने कनेक्ट कर दी है, देख सकते हैं आप। मैं लैपटॉप से मैंने इसको कनेक्ट किया है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बेजल साइड के थोड़े दिख रहे हैं, बाकी लुक वाइज बहुत प्यारा लग रहा है। IPS डिस्प्ले है, इसके अंदर कोई लिक्विड नहीं दिखता है अगर अपन डिस्प्ले प्रेस करते हैं तो, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा रन कर रहा है, रेजोल्यूशन भी अच्छा है इसके, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ब्राइटनेस भी अच्छा है। थैंक यू।